नमस्कार, मैं हूं साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंगे। आइए नजर डालते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों पर। यूपी के कन्नौज में एक तेज रफ्तार ट्रक और इनोवा कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में इनोवा में सवार चार लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग शादी समारोह के लिए फर्रुखाबाद जा रहे थे। यूपी के कन्नौज में पूर्व जिला पंचायत की पत्नी के देहांत की शोक सभा में सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कन्नौज भाजपा मंत्री अर्चना पांडे को हटाए जाने पर अखिलेश यादव ने हैरानी जताई और सरकार से पूछा कि आखिर कन्नौज की मंत्री को क्यों हटाया गया है। साथ ही उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के ब्यावरा के लोधीपुरा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटी खा गया, जिसके एक ट्रॉली में बैठे लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है और उनके एसपीजी सुरक्षा हटाई गई। इसके विरोध में उनका आंदोलन सतत जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कुक्षी में कापसी के मध्य नदी किनारे सार्वजनिक विशाल अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस अन्नकूट में भगवान स्वामी नारायण को 1100 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों का नैवेद्य अर्पण किया गया। इस महोत्सव में सुबह भजन पूजन आरती व संतों के स्वागत पश्चात दोपहर ग्रामीण क्षेत्रों से आए लगभग 10,000 महिला पुरुष व बच्चों द्वारा महाप्रसादी का आनंद लिया गया। यूपी के कन्नौज में एक दहेज लोभी पति ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर अपनी पत्नी का जबरन गर्भपात करवा दिया। यह मामला तीरवा कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता ने एसपी न्याय की गुहार लगाई, जिसमें एसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। खरगोन के सेगांव के पास रसगांव में बीती रात खाटू श्याम वाले बाबा का दरबार सजा, जहां भजन संध्या में भक्त जमकर झूमे। आयोजन में मुख्य रूप से सांसद गजेंद्र पटेल भी पहुंचे। मध्य प्रदेश के सागर स्थित खेमचंद अस्पताल में हंगामा उस वक्त हो गया जब पति के बिना अनुमति से पत्नी के परिजन युवती का गर्भपात कराने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक धार जिले के रहने वाले विभिन्न समुदाय के दंपति के मामले में पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सागर में हुए गर्भपात मामले में राष्ट्रवादी युवा वाहिनी के महेश कर्मा व बजरंग सेना धार के अशोक राठौर की सक्रियता से सागर में पुलिस की कार्यवाही जारी है। विराट कोहली ने टेस्ट मैच के पहले इंदौर में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हम मैच जीत जाएंगे। पहले भी इंदौर में कोई हारा नहीं, लेकिन मेहनत के बिना ये संभव नहीं है। मंडी भारसाधक अधिकारी कैलाश वानखेड़े ने इंदौर की चोइथरा मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं मिली। मंडी सचिव मानसिंह मुनिया को उन्होंने जमकर फटकारा। वहीं उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को एक दिन का समय दिया है और कार्यवाही की बात कही। प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी ने बुधवार को इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र में करीब 54 लाख की लागत से बनने वाली नर्मदा परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री पटवारी ने कांग्रेस सरकार के विजन में इस विकास कार्य का होना बताया। ये हमारे बसंतपुरी गोल्डन पैलेस 103 बहुत बड़ा एरिया है। करीब पानी की समस्या थी, नर्मदा का पानी घर घर पहुँचे हमारे विजन का हिस्सा है। मेरी विधानसभा में विकास की जो एक मैं मानता हूं कि एक लहर चल रही है और उसका लाभ पूरी हमारे परिवार के लोगों को मिल रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और ख़ासकर मैं इनका बेटा होने के नाते मेरा दायित्व है, हम लगातार प्रयास नर्मदा का घर घर ले जाने का कर रहे हैं। इंदौर के एबी रोड स्थित बसंतपुरी कॉलोनी में नर्मदा पाइपलाइन लगने के बाद करीब 200 परिवारों को नर्मदा लाइन से पानी मिलेगा, जिसके लिए 54 लाख की लागत से करीब 20 दिन में यह कार्य पूरा किया जाएगा। बेटे की शादी के दौरान हुए माता पूजन कार्यक्रम में उज्जैन के राघवी थाना क्षेत्र के जगोटी गांव में हर्ष फायर में दूल्हे के पिता विक्रम सिंह अंजना की छर्रा लगने से अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर अंग्रेज के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।